जब इंसान बहुत ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करता है, कोई भी इंसान बहुत ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करेगा ना, तो उसका न्यूरॉन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। और लगभग जब इंसान एडल्ट होता है या एज में जाता है, मैच्योर होता है, तो 60 सीआर से 70 सीआर का लगभग बचता है, 60 सीआर से 70 सीआर का लगभग बचता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का पहला दो पार्ट है, सेल बॉडी, सेल सोल। सेल बॉडी किसको बोलेंगे? ये पूरा गोल दिखाई मिल रहा है स्टार के जैसा, इसी को बोलेंगे सेल बॉडी। दूसरा नाम सोमा, तीसरा नाम साइटोसोल, ठीक है। और ये जो प्रोसेस दिया नागिन के जैसा, इसको बोलते हैं सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस दो तरह का होता है, एक्सोन डेंड्रोन। और सेल बॉडी जो है उसके अंदर दो चीज होता है, ये जो दिखाई मिल रहा है डॉट डॉट, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, सॉरी न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है न्यूरोप्लाज्म और दूसरा क्या है, दूसरा होता है न्यूक्लियस। तो वो लिखता है वो न्यूक्लियस। अब एक्सोन का देखो बुक में ये नहीं है, तो याद रखना है जो एकदम लास्ट में एकदम अंदर जो डॉट है, सबसे अंदर ये डॉट, ये डॉट जो है ना, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, जो अंदर का डॉट है, ठीक है। और ये बाहर जो है इसको बोलते हैं एक्सोनिमा। डॉट के बाहर जो एरिया दिखाई मिल रहा है ये वाला, ये इसको बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। और थोड़ा सा बाहर आएगी यहाँ पर भी एक डॉट मिलेगा, इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और थोड़ा सा बाहर आकर जो शीट जो दिखाई मिला गोल गोल, इसको बोलते हैं स्वान सेल। कौन सेल? स्वान। विलियम स्वान नाम का साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम है स्वान सेल। और सबसे बाहर में जो लेयर दिखाई मिल रही है वाला, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। और जहां पर माइलिन शीट नहीं है, यानी जो ग्रूव से ढका हुआ हिस्सा है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। रणवीर कहता है हम लोग का बॉडी में 100 करोड़ सत्तर 60 करोड़।